निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के मेन गेट पर हमने जो हैदराबाद के एक छोटे से इलाके में जो एक 26 वर्षीय महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जिस तरह से मतलब उन्होंने रेप करके उसको फेंक दिया गया आरोपियों उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये इनको फांसी की सज़ा दो। अगर आप इनको फांसी की सज़ा नहीं देते हो तो आप इनको हमारे हवाले करो। देश में आए दिन इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही है। पहले एक हुआ था ट्विंकल शर्मा के साथ, 3 साल की लड़की के साथ। इसी तरह हम देखते हुए जो बलात्कार पे एक हमारे देश प्रदेश की सरकार या मतलब मेन सरकार से हमारा आग्रह है कि आप इन पे एक बड़ा एक्शन लो या आप इन पे कुछ ना कुछ एक अच्छा कानून बनाए जिसकी तरह से आप इनके ऊपर कोई लगाम लग सके। आए दिन हमारे देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, इसका हम दिन प्रतिदिन विरोध कर रहे हैं। हमने अभी टाइट जला के इनका विरोध प्रदर्शन किया है। और अगर आप इनको फांसी की सजा नहीं दे सकते तो आप हम जनता के हवाले करो, तो हम इनको इनकी हालत बना देंगे वो। इसीलिए हम सरकार से जितना हो सके हम निवेदन करते हैं, हमारी मांग है कि आप एक अच्छा कानून लाए इन पे। और जो ये ऐसे रेप हो रहे हैं प्रदेश भारत के अंदर जो बढ़ रहे हैं, इन रेप पे कायम कम हो रेप, और मैं इसके लिए हमने मतलब पूरे टीम ने कॉलेज टीम ने हमने यहाँ प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट भी प्रदर्शन करना पड़ सकता है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इनको फांसी की सजा देवे। आशुराम डुकिया छात्र नेता जी सी अजमेर। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर जो तेलंगाना से एक डॉक्टर थी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसके साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी की, उसके साथ रेप किया तथा उसको जलाकर फेंक दिया गया। ये देश के अंदर दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि एक कड़ा कानून बनाया जाए और ऐसे हत्यारों को सड़ेआम सड़क के ऊपर फांसी दी जाए, ताकि लोगों की ऐसे लोगों का हौसला नहीं बढ़े। और मैं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ताकि लोगों को ये सीख मिले, लोग ऐसा करने से सपने में भी घबराए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ और सरकार को इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए। ठीक है, विजेंद्र चौधरी छात्र प्रतिनिधि राजकीय महाविद्यालय अजमेर।